अरे कहां घुसे चले आ रहे हो? बेटा एक्सरे इसी कमरे में होता है ना? हाँ। मुझे अपने घुटनों का एक्सरे करवाना है। कोई पर्चा है डॉक्टर का? आकाश आइए यहां लेट जाइए। ये तो फायर अलार्म है, कहीं यहां तो नहीं लगी? मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो। अरे भाई मैं भी चलूं। अरे एक बार एक्सरे ले लूं, उसके बाद ट्राई मत। अरे साहब आग लगी कहीं? आग लगी? वही तो ढूंढ रहा सर, कहाँ लगी है? एक काम करो, सारे पेशेंट्स और उनके साथ जितने भी लोग हैं सबको जल्दी बाहर निकालो। ओके। अरे भाई आग लगी है, आप खड़े हो जाओ, आग लगी है भाई। नर्स सब लोगों को बाहर निकालो, यहाँ आग लगी है, सबको बाहर निकालो। आग 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 लगी है। राजू क्या हुआ राजू? अरे आग लगी है, आग लगी है। फायर अलार्म की आवाज आ रही है, कहीं तो आग लगी होगी। अरे धुआं तो कहीं नहीं दिख रहा है। एक काम कर, तू फायर ब्रिगेड को फोन लगा, मैं तुझे चेक करके आता हूँ। हेलो हेलो फायर ब्रिगेड। अरे यार कोई आग वाग नहीं लगी थी। आकाश आकाश लगता चला गया। सचिन तुम कह रहे थे कि कोई आदमी यहां पर ये एक्सरे ही निकलवाने आया था और तब ये खून हुआ। हाँ हाँ सर। चलो इसे ऊपर रखते हैं, संभल के संभल के। वो आदमी जो एक्सरे निकलवाने आया था वो कहाँ गया? सर वो आदमी तो गायब हो गया सर। गायब हो गया? कैसे? किसी ने देखा नहीं उसे? नहीं सर, एक्सरे ले रहे थे तो बाहर आग लगने का अलार्म बजा, मैं बाहर भागा तो पता चला कि स्टोर रूम से अलार्म की आवाज आई थी सर। तो क्या आग स्टोर रूम में लगी थी? आग वाग कुछ नहीं लगी थी सर, बस ऐसे ही फायर अलार्म बजा था। आग नहीं लगी थी फिर भी अलार्म बज रहा था, ये कैसे हो सकता है? और तो और सर जब ये लोग वापस आए तो देखा कि आकाश की लाश यहाँ पड़ी थी, पर वो बूढ़ा आदमी उसका तो कोई अता पता नहीं था सर। एक्सरे निकलवाने आया था वो आदमी बूढ़ा था? हाँ सर बूढ़ा था। वो दिखने में कैसा था? काला चश्मा लगाया था सर, तो बूढ़ा था सर, और क्या बताऊँ। अच्छा उसने कोई फॉर्म वॉर्म तो भरा होगा एक्सरे निकलवाने के लिए? हाँ मैं लेके आता हूँ सर। जल्दी लाओ। पर सर ये देखिए इसे पेपर नाइफ से किसी ने काफी ताकत से अंदर घुसाया है सर। और सर कोई बूढ़ा आदमी ये सर हो सकता है? ये बूढ़ा आदमी कोई हट्टा कट्टा हो सर? हाँ ये क्या सेल नंबर भी और नाम भी है सुरेश, जरा फोन करके देखो है कौन ये बूढ़ा आदमी। सही नंबर तो गलत है। नंबर गलत है तो फिर नाम और पता भी गलत होगा। अच्छा ये बताओ कि उसके साथ कोई और भी था? था तो सही था, मैंने उसे कॉरिडोर में उससे बात करते हुए देखा था। वो दिखने में कैसा था जानते हो उसे? पीछे से देखा था, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ कान में सोने की इयररिंग पहना था। हमें उस बूढ़े आदमी का एक्सरे चाहिए और पहले हमें वो स्टोर रूम दिखाओ जहां पर बिना आग के अलार्म बजाता। इसी कमरे में से बजाता फायर अलार्म? जी सर।
वैसे तो यहाँ पर कोई आग लगी हुई दिख तो नहीं रही है। ये कमरा क्या तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या? करते ही ना सर, जब कोई पुराना सामान रखने को होता है। कोई ताला वाला नहीं लगाते क्या सर? अब ये कबाड़ के लिए क्या ताला लगाएंगे? इसी बात का फायदा उठाया खूनी ने, फायर अलार्म बजा दिया, हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई तो खून करके निकल लिया। पर सर जिस वक्त आकाश का खून हुआ उस वक्त तो वो बूढ़ा आदमी उसके साथ में था, तो फिर ये अलार्म बजाया किसने होगा? तो जो दूसरा आदमी था ना उस खूनी के साथ, उसने बजाया अलार्म। प्लान बनाकर आए थे, आकाश को मारने का प्लान। मगर सर जब यहाँ आग लगी नहीं तो फिर ये अलार्म बज कैसे गया? वही तो पता लगाना है, ये अलार्म बजा तो बजा कैसे? हाँ। ये देखिए सर, खूनी के साथी ने एक कागज जलाया, इसके धुएं से अलार्म बजा होगा। सर जब ये अलार्म बजा तो ये आकाश अपने कमरे से भागा क्यों नहीं? भागता कैसे सचिन? आकाश भागता कैसे? उस वक्त तो वो उस बूढ़े मरीज का एक्सरे ले रहा था, उस खूनी का। इस आकाश का कोई ना कोई तो दुश्मन जरूर है। इस आकाश के घर वालों को प्योरो बुलाओ। आकाश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, अब ना ही किसी का उसे ऐसा वैसा देना था। पानी पीजिए। बिना दुश्मनी के और बिना किसी कारण के बहुत कम खून होते हैं। आप ठीक से याद कीजिए, शायद किसी का नाम याद आ जाए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं याद आ रहा है। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कान में सोने की इयररिंग पहनता हो? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा। अब ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में ये आकाश कुछ परेशान सा था किसी चीज को लेके, या कुछ घबराया हुआ सा था? हाँ, कभी कभी उसे कुछ कॉल आते थे जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाता था। अरे आकाश बेटा, तेरा फोन है। हाँ क्यों नहीं ले? कुछ नहीं। फोन कॉल किसके फोन से? ये तो पता नहीं किसका था, पर हाँ ये फोन कॉल खंडाला से आता था। खंडाला से फोन कॉल? सर कहीं आकाश का खूनी खंडाला में तो नहीं रहता? आकाश का कोई दोस्त था क्या खंडाला में? आकाश कुछ टाइम पहले खंडाला में नौकरी करता था, पर 5 महीने पहले वो वहां से वापस आ गया। कैसी नौकरी थी? वहां एक दवाइयों की कंपनी में काम करता था। दवाइयों की कंपनी? उसने 3 बार अपने फोन नंबर भी बदलवाए, लेकिन ये फोन कॉल से आने बंद नहीं हुए। उसने 3 बार अपना नंबर बदलवाया, मतलब सर आकाश किसी से बचना चाह रहा था। ये आकाश जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। निखिल सर, पता करो वो कौन है जो आकाश को फोन करता था। क्या बात है यार, काश ऐसी हड्डियां मेरी भी होती तो कितना मजा। डॉक्टर साहब ये हड्डियां खूनी की हैं। अरे मालूम है यार खूनी की हैं, लेकिन हड्डियां तो देखो कितनी मजबूत हैं, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान की। क्या हो गया डॉक्टर साहब को, आज सुबह सुबह कहीं ये जूस वूस पी के तो नहीं आए? क्यों डॉक्टर साहब, ये किसी नौजवान की नहीं, ये हड्डियां एक बूढ़े आदमी की। भाई साहब जूस आपने पिया, ये हड्डियां किसी बूढ़े आदमी की नहीं है, ये एक नौजवान की हड्डियां हैं, 30-35 साल के नौजवान की। क्या? पर एक्सरे के लिए तो एक बूढ़ा आदमी आया था, हॉस्पिटल के लोगों ने हमें यही बताया। हॉस्पिटल के लोगों ने आपको कुछ भी बताया हो, लेकिन ये हड्डियां एक नौजवान की हैं। ये देखो ये जो गैप देख रहे हो, मतलब खूनी भेस बदल के आया था, काला चश्मा लगा के बुड्ढे के कटर में। और एक बात, इस खूनी के एक्सरे को देखकर ये पता चलता है कि ये आदमी या तो कोई साइक्लिस्ट है या फिर रनर। मतलब ये आदमी एक खिलाड़ी है? हाँ अभिजीत, इसके घुटनों की हड्डियां और ये कार्टिलेजेस घिसे हुए हैं, इसका मतलब साफ है कि आदमी या तो बहुत ज्यादा भागता है या फिर ज्यादा साइकिल चलाता है। और इस आदमी ने अपने घुटने का ऑपरेशन कराया था। ये देखो, यहाँ देखो हड्डी थोड़ी सी खिसकी हुई है। घुटने का ऑपरेशन वो किस लिए सर? क्योंकि इस आदमी को कोंड्रोमलेशिया पैतले है, आम भाषा में कहें तो रनसनी,
घुटने की इंजरी? ओ, वही तकलीफ ना जो अक्सर भागने वालों को, मेरा मतलब रनर्स को हो जाती है घुटने में। हाँ अभिजीत, घाव अभी तक पूरी तरह भरा नहीं है, और ये देखो, और ये चिप यहाँ लगी हुई है। इसका मतलब साफ है बॉस, इस आदमी ने 2-3 महीने पहले ही अपने घुटने का ऑपरेशन कराया। ठीक है, तो अगर हम ये पता लगा लें कि पिछले 3 महीनों में कौन से हॉस्पिटल में घुटने का ऑपरेशन हुआ है, कौन ही पकड़ा जा सकता। डॉक्टर साहब, आप ये जो एक्सरे देख रहे हैं वो एक खूनी का है। खूनी का? जी हाँ, खूनी का। लेकिन सर, इसका घुटना खराब है। पता है, लेकिन अगर आपने ये ऑपरेशन किया है तो जरूर इसके बारे में आपने कुछ तो लिख कर रखा होगा, मेरा मतलब है इसका नाम पता। हाँ सर, एक मिनट। स्नेहा, जब मेरे केबिन में आइए। सर, हमारे हॉस्पिटल के सारे मरीजों की रिकॉर्ड आपको स्नेहा के पास मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब, रोज रोज तो घुटने के ऑपरेशन होते नहीं होंगे, है ना? सर, ऐसी कोई बात नहीं। क्या सर, आजकल लोग ऑपरेशन करवाने लगे हैं। सर, आपने मुझे बुलाया? स्नेहा, ये लोग CID से आए। CID? जी हाँ, CID से। देखिए, घबराइए मत, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3 महीनों में यहाँ पर रनर्स नी के कितने ऑपरेशन हुए हैं। सर, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रूम से मिल जाएगी। चलिए दिखाइए हमें। सर ये देखिए, पिछले 3 महीने में रनर्स नी के 4 ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 डॉक्टर श्याम ने किया है और 2 डॉक्टर उत्तम ने किया है। 4 नहीं स्नेहा जी, कंप्यूटर में 5 ऑपरेशन दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाट, ये सब क्या है स्नेहा? मैं कुछ नहीं जानती सर। 5वें आदमी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके डिटेल्स गायब है डॉक्टर साहब। सर, इसमें डिटेल कैसे गायब हो सकते हैं? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। नेहा, कहीं तुमने तो नहीं किया ये सब? नहीं मैम, मैं क्यों करूंगी ये सब? खूनी की मदद करने के लिए। नहीं सर, मैं ऐसे कोई खूनी को नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ, आप ही इन्हें समझाइए ना। इन सारे रिकॉर्ड के पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास है, और तुम्हारे सिवा इसे कोई नहीं खोल सकता। फिर ये सब हुआ कैसे, और ये सब किसने किया स्नेहा? हो सकता है लीला ने किया हो। लीला? ये लीला कौन? वो रिकॉर्ड रखने में मेरी मदद करती है, उसके पास भी इस कंप्यूटर के पासवर्ड है। तो बुलाओ इस लीला को। सर, वो आज हॉस्पिटल नहीं आई। फोन करो उसे। मैम, मैं उसे फोन कर रही थी, पर उसका फोन लग नहीं रहा था। तो फिर से फोन करो, अभी इसी वक्त हमारे सामने लगाओ, फोन लगाओ जल्दी। यहीं पे बज रहा है इसी कमरे में। सचिन देखो जरा। सचिन, लीला? सर, ये तो लीला है। ये लीला है? ये तो जिंदा है। काजल, जल्दी से पानी लेकर आओ। सर, गला घुटने के निशान है, गला घुटकर जान लेने की कोशिश की लेकिन बच गई। देखो लीला, घबराओ मत, हम लोग CID से, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लो पानी पियो। अब बताओ लीला, किसने किया ये? वो उस आदमी ने, उसने पहले तो मुझसे दोस्ती की और फिर सारे रिकॉर्ड मुझसे मिटवा दिए, कंप्यूटर के भी और वो फाइल्स के भी रिकॉर्ड मिटवा दिए, और फिर मुझे ही मारने की कोशिश की। देखो लीला, गुनहगार किसी का सगा नहीं होता, समझी? कैसे दिखता था वो आदमी बता, याद करके बता। वो लंबा सा था,
हाँ और क्या खास बात थी, याद करो बताओ। और कान में सोने की रिंग पहनी हुई थी। कान में सोने की रिंग? सर इसका मतलब है कि वो खूनी खुद यहाँ नहीं आया था रिकॉर्ड मिटाने के लिए, बल्कि उसने उस पार्टनर को भेजा जिसने वो फायर अलार्म बचाया था सर। पर आखिर ये खूनी है कौन? काजल ये तो वही पता चल जाएगा, उस कंपनी में जहाँ पे आकाश यहाँ आने से पहले काम करता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आकाश का किसी ने खून कर दिया। हमें शक है कि आकाश के खून में तुम्हारे कंपनी में से ही किसी का हाथ है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, इस कंपनी में तो सब शरीफ और ईमानदार लोग काम करते हैं। अच्छा ये नंबर 1020-9876 इसी कंपनी का है ना? हाँ, ये हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है। किसके पास रहता है ये नंबर? ये ऑफिस के रिसेप्शन पर ही रहता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे? क्योंकि बार बार इस नंबर से आकाश को फोन गए थे, इसलिए, समझे? हेलो सर, मैं धनंजय, इस कंपनी का मालिक। आकाश का खून हो गया? या सर, ये खून किसने किया है ये तो आप बताएंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ सर, आकाश ने तो 4-5 महीने पहले कंपनी छोड़ दी थी। उसने ये नौकरी क्यों छोड़ी? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब आपने उसे पूछा नहीं कि वो इस्तीफा क्यों दे रहा है? अब सर इस्तीफा दिया होता तो पूछता ना, उसने तो अचानक काम पे आना बंद कर दिया, और तो और उसने अपनी आखिरी महीने की पगार भी नहीं ली। लेकिन कोई तो वजह होगी नौकरी पर नहीं आने की, कोई ऐसे ही नौकरी से गायब हो जाता। वैसे बताओ क्या कंपनी में उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह था? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ आकाश के साथ एक घटना जरूर घटी थी। घटना? कैसी घटना? सर हमारी कंपनी के एक स्टाफ प्रतीक ने आकाश पर दवाई चोरी करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में वो इल्जाम वापस ले लिया था उसने। बाद में इल्जाम वापस भी ले लिया? सर दरअसल प्रतीक से कुछ दवाइयों के कार्टन गायब हो गए थे, तो उसने डर के मारे आकाश पर इल्जाम लगा दिया था, लेकिन बाद में उसका ईमान जाग गया और उसने वो गलती मान ली थी। बुलाओ इस प्रतीक को। सर वो तो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा। वाह रे वाह, 2 दिन पहले आकाश का खून हो गया और 2 दिन से प्रतीक गायब है। इस प्रतीक का नंबर क्या है? सर उसका नंबर लगा के भी कोई फायदा नहीं है, 2 दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस प्रतीक के घर का पता दे दो। निखिल प्रतीक के घर जाओ और देखो कुछ मिलता है क्या। सर और आप अपने सारे वर्कर्स को बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी। सुनो भाइयों, सारे काम रोक दो और यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो जाओ। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ आकाश और प्रतीक के बीच में झगड़ा हुआ था? आकाश का खून हुआ है और इसीलिए ये पूछताछ है। क्या आकाश साहब का खून हो गया? हाँ खून हो गया, और खूनी इसी कंपनी में से कोई है। नहीं सर, हमारे यहाँ से ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे धनंजय जी, कि ये खून किया किसने, समझे? कहीं प्रतीक साहब ने तो नहीं किया? क्या कहा तुमने? प्रतीक का नाम लिया ना? क्या बता रहे थे जल्दी बोलो। वो बस जल्दी बताओ क्या कह रहे थे? वो ऐसे ही निकल गया मुझसे सर, कुछ नहीं बोला था सर। क्या बोल रहे थे तुम? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, वो कुछ निकल गया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये देखिए सर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? इनमें से कुछ बॉक्सेस की सील ढीली है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और फिर दोबारा लगाया जा सकता है। चेक करो कि सभी बॉक्सेस में ऐसा ही है। हर डिब्बे में ऐसी है सर, सबके सील खुले हुए हैं। हाँ सर। क्यों धनंजय जी, ये ऐसा क्यों है? सभी बॉक्सेस के सील ढीले क्यों हैं? जवाब यहीं पर दोगे या ब्यूरो में चलकर? हैं? क्या जवाब दूं सर इसका मैं आपको, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग क्या करते रहते हैं यहाँ पे? क्या ये सभा ढंग से काम नहीं कर सकते तुम लोग? ये दवाइयां आम लोग लेते हैं और तुम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अच्छा इन बॉक्सेस पर सील कौन लगाता है? हम
हम लोग मैडम। अब तुम दोनों दोनों साफ साफ बताओ कि सील ढीली क्यों है, वरना दोनों की गर्दन ढीली कर दूंगा। नहीं साहब, प्रतीक साहब ने कहा था कि बॉक्स की सील ढीली रखना। प्रतीक साहब ने बोला? क्यों, वो क्या करता था इन बॉक्सेस के साथ? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन उन्होंने कहा था जो बोल रहा हूँ वो करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा, तो क्या आकाश ने भी ऐसे ही कहा था कभी? नहीं साहब, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था सर। इन दवाइयों की डिलीवरी कौन करता है? उस ड्राइवर को बुला सर, उसी से पूछते हैं कि वो दवाइयाँ कहाँ लेके जाता है। ड्राइवर्स तो आज सब काम पे नहीं आए साहब। अच्छा, सुन लिया दया, इनके ड्राइवर्स आज काम पर नहीं आए। सील कर दो इनका गोडाउन। अरे नहीं सर, प्लीज। चुप रहो, तुम्हारे ड्राइवर्स की हमें डिटेल्स चाहिए, सभी के। उन्हीं से पता चलेगा कि ढीली सील वाली दवाइयां जाती कहां है। सर, मैंने प्रतीक के पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहां गया है। घर के बाहर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जरूर ये प्रतीक आकाश को फोन करके परेशान कर रहा होगा, पर ये प्रतीक उसे मारेगा क्यों? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसने उसकी जान ले ली? सर, शायद वजह उन दवाइयों के डिब्बे में छुपी हो, इनकी सील ढीली थी। मुझे लगता है कि दवाइयों में कुछ मिलावट की जाती है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है निखिल। सर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। उन दवाइयों में कोई गड़बड़ नहीं थी सर, वो दवाइयां भी बाकी की दवाइयों जैसी थी। सर, अगर ये दवाइयां बिल्कुल नॉर्मल होती तो प्रतीक उन दवाइयों के डिब्बों की सील ढीली क्यों छोड़ता? हो सकता है दवाइयों में मिलावट किसी और जगह पे होती हो। एक मिनट, वो जो दो कार्टन हमने जब्त किए थे, ये जेआर पार स्पोर्ट्स क्लब और व्हाइट स्टार स्टेडियम ले जा रहे थे। मतलब शायद वो ड्राइवर्स इन दवाइयों को इस जगह पे ले जाने से पहले किसी और जगह पे ले जाके इन दवाइयों के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं। सचिन सर गए उन ड्राइवर्स के घर वालों से पूछताछ करने, हम लोग बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। हाँ सचिन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। क्या ड्राइवर्स के बारे में पता चल गया? कहां पे आने वाले? प्रतीक साहब का फोन ही नहीं लग रहा, अजीब मुसीबत में फंस गए यार हम लोग। पर अब कर भी कह सकते हैं, सीआईडी भी पीछे पड़ गई है, बस किसी तरह शहर से बाहर निकल जाए तब जाकर चैन मिलेगा। लो साहब, खाना आ गया आपका। अरे हमने कहाँ मंगवाया, किसी और का होगा। आपके दोस्त ने भेजा है। कौन है वो? भाई कमाल है, आप लोग अपने दोस्त को ही नहीं जानते। वो तो कह रहे थे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कौन दोस्त है ये? अरे प्रतीक, प्रतीक को नहीं जानते आप लोग? प्रतीक साहब कहाँ है वो? वहाँ गाड़ी में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो इधर क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई इधर कैसे आएंगे, उनके पीछे सीआईडी पड़ी है। चल चल चल। प्रतीक साहब, कौन है, कौन है आप लोग, कौन है आप लोग, कौन है? दुकानों पर पहुँचाने से पहले पुरानी फैक्ट्री लेकर जाना है। पुरानी फैक्ट्री? प्रतीक साहब कुछ डब्बे लेके अंदर फैक्ट्री में जाते थे और कुछ देर के बाद वही डब्बे लेके वापस आते थे। और फैक्ट्री में क्या होता था उन लोगों को नहीं पता साहब। नहीं पता साहब। कहाँ ये पुरानी फैक्ट्री? अरे 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 आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, कौन चाहिए आपको? यहाँ पे जगह पे हर हफ्ते एक ट्रक आता है ना दवाइयों का। दवाइयों का ट्रक? अरे साहब
पिछले 2 साल से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो ठीक है, गलतफहमी किस वजह से हम देखना चाहते हैं। ढूंढो ढूंढो इस फैक्ट्री को अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या, छान मारो। ये तलाशी क्यों? चुप रहो सीआईडी से, अब चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, समझे? हिलना नहीं वहां से। ये चक्कर है। चल आ दया, आ दया। क्या है? ये देखिए सर, गार्डन्स के पीछे दवाइयां बन गई हैं। पंखे देख ले भैया, कौन सी खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। निकल इधर आना। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, ये फैक्ट्री पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। क्या ये सर? अरे साहब साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ लोगों ने पैसे दिए थे ये सामान यहाँ रखने के लिए। किसने किसने दिए थे पैसे सामान रखवाने के लिए? बोल। इसे पहचानते हो? जी ये प्रतीक जी हैं साहब, यही तो सारा सामान लाते हैं यहाँ पर। कहाँ है ये प्रतीक? जी आज आए नहीं, शायद घर पे होंगे। वो घर पे नहीं है, बोल कहाँ है। साहब मुझे नहीं पता। ले जाओ इसे। अरे साहब मुझे मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कहाँ ले जा रहे साहब, मुझे छोड़ो। ओ ये बात है तरुणके? ये बात नहीं, क्या बात है हमें बताओ। बॉस ये वही वाली दवाई है, फैक्ट्री वाली। और इन दवाइयों को यहाँ इस सुनसान फैक्ट्री में लाया क्यों गया? इसलिए दया, ताकि ये असली दवाई वाली बॉटल को इस दूसरी बॉटल पे ऐसे लेबल लगा करके बदल दी जाए। मतलब ये चक्कर है। इस दूसरी बॉटल में है क्या? इस बॉटल में ड्रग्स। किस तरह के ड्रग्स? स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स? और ये स्टेरॉइड्स इस लैब में ही बनते हैं। इन स्टेरॉइड से आदमी में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा स्फूर्ति वाला समझने लगता है। हाँ वही स्टेरॉइड जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, है ना? बिल्कुल। मतलब ये प्रतीक यहाँ असली दवाइयाँ ला के रख देता था, और असली दवाइयों की जगह पे ये स्टेरॉइड ठीक वैसे भी बॉटल में डाल के जीआर पार्क स्पोर्ट्स क्लब और ये व्हाइट स्टार स्टेडियम में ले जाता था। हाँ दया, दया इन दोनों स्पोर्ट्स क्लब में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, और इसीलिए अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स लेते हैं, ये स्टेरॉइड। तो वहाँ पर तो कई सारे खिलाड़ी आते होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी ये ड्रग्स का इस्तेमाल करता है? अगर हमने सारे खिलाड़ियों के ब्लड टेस्ट करवाए तो उन लोगों को पता चल जाएगा जो ये स्टेरॉइड सप्लाई करते हैं, और खिलाड़ियों की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर सर मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम पड़ेगा बड़े, मालूम पड़ेगा। एक प्लान तैयार हो रहा है मेरे दिमाग में। बार का स्टेट चैंपियन तो मैं ही बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। चैंपियन तो सिर्फ यही की होता है राहुल, और मेरे ज्योतिषी ने कहा कि इस साल चैंपियन बनने की लकीर मेरे हाथ में। बच्चों जैसी बातें मत कर, चैंपियन बनने के लिए किसी ज्योतिष या लकीर की जरूरत नहीं पड़ती, चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत या फिर उस चीज की जिसका यह नाम लेना भी मना है। मुझे कितनी बार कहा है, मजाक में भी इस बारे में बात नहीं होगी। नवीन सर भी आ गए। उसके साथ ये कौन है? सर ये कौन है? ये सचिन है, तुम्हारा नया साथी। इस साल हमारे क्लब की तरफ से होने वाले साइकिलिंग कंपटीशन में ये भी भाग लेगा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे साल भर की मेहनत के बाद आप 50 में से 5 खिलाड़ियों को चुनते हैं। अगर इसका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया तो हमारा तो एक खिलाड़ी। कोच तुम हो या मैं? मैंने एक बार कह दिया ये भाग लेगा तो भाग लेगा, लेकिन सर दोबारा कोई बहस नहीं करेगा, समझे?
कहाँ साइकिलिंग करते थे? पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब सुनते ही रहोगे। एक बार मैं ये चैंपियनशिप जीत जाऊं तो मेरे चर्चे तो हर जगह होंगे। चैंपियनशिप तो मैं या राहुल ही जीतेंगे, किसी भी कीमत पर, समझे तुम? चल सचिन, नए लोग हैं, उनकी बातों को बुरा मत मानो, उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पर नया हूँ, मुझे भी आए हुए बस एक महीना हुआ है और अच्छी तरह से मैं भी नहीं जानता इन लोगों को। सर आप मुझे जान गए, आपके लिए उतना ही काफी है। आने वाले चैंपियन के साथ खड़े हैं आप। तो तुम जोधपुर से आई हो, पहले वहाँ पे रनिंग किया करती थी? हाँ, मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। वैसे ये सपना सबका होता है, मगर ये सपना आसानी से पूरा नहीं होता। मुझे वैसे भी आसान काम बिल्कुल पसंद नहीं, आई लव चैलेंजेस। अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ी देर रुको तो। दरअसल मुझे अकाउंटेंट के पास जाना है, पता नहीं 10 जुलाई को रिसेप्शन पे कौन बैठा था, उसने तो मेरा चेक ही घुमा दिया है। आपको पता है कि कौन बैठा था? मुझे तो नहीं पता, मैं तो 10 जुलाई को छुट्टी पे थी। आकाश की मौत के दिन ये छुट्टी पर थी? अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब थी? नहीं, मेरी सहेली की शादी थी। हाँ अच्छा, और अमय तुम्हें तो पता होगा ना कि 10 तारीख को कौन था रिसेप्शन पे? नहीं मैं भी छुट्टी पर था, 10 को भी और 11 को भी। ओके थैंक यू, मैं चलती हूँ। ठीक है, हम लोग कल रेस लगा लेंगे। श्योर, एक्सक्यूज मी। सर यहाँ पे दो रनर्स हैं, अमय और मृणाली, बहुत गड़बड़ है सर। सर ये दोनों ही 10 और 11 जुलाई को छुट्टी पर थे, सब मुझसे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। जी सर, मैं उन पर नजर रखूंगी। बात क्या है? तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तेरा यहां होना बहुत खटक रहा है, न कभी तेरा नाम सुना न कभी देखा है, तू अचानक हमारे क्लब में कैसे आ गया? क्योंकि मेरी किस्मत में चैंपियन बनना लिखा है। तुम दोनों वैसे मेरी मानो तो बुरी बिस्तर लपेट के यहां से निकल लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी किस्मत में चैंपियन बनना नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी, चैंपियन कौन बनेगा वो तो वक्त ही बताएगा, समझे? हाँ, सामान लेके आया। अच्छा ये सामान लाते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? ठीक है ठीक है, एक काम करो आप लॉकर रूम में आ जाओ, वहीं हूँ मैं। ओके। लॉकर रूम में किसी बाहर वाले का आना मना है। पता है मुझे, कंप्लेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये लीजिए आपका सामान, इसे संभाल के रखना, खतरनाक चीज है। पता मुझे। Excuse me. जल्दी खोल, देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। देखा, उसके चैंपियन बनने का सीक्रेट इसके दम पे उड़ रहा था। जब से सुबोध की मौत हुई थी इसके तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे यार। डेंजरस स्टेरॉइड्स, अब ये ड्रग्स हम लेंगे।
हम जीतेंगे चैंपियनशिप। चैंपियनशिप तो तब जीतोगे ना जब साइकिल चलाने लायक बचोगे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। तुम हमें फंसाने के लिए सीआईडी को लेकर आए हो? सर सर इसी ने किया है सब, यही लेकर आया है ये ड्रग्स। सर हम तो ये ड्रग्स कोच के पास लेके जाने वाले थे। सर कोच को ड्रग्स देने वाले थे या खुद इस्तेमाल करने वाले थे ये हमें तुम्हारी बातों से पता चल चुका है। अच्छा अब ये बताओ कि ये सुबोध कौन है और किसकी मौत की बातें कर रहे थे तुम लोग? सर सुबोध एक साइकिलिंग चैंपियन था। सर कुछ महीने पहले ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। सर हाँ सर और उसकी मौत के बाद तो स्टेरॉइड पी नहीं रहे थे। सर शर्म नहीं आती स्पोर्ट्स में इस तरीके की गंदगी फैलाते हुए? सर हमें माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से हम कोई ड्रग्स नहीं लेंगे। सर तुम लोग इस आकाश को जानते हो? नहीं सर वो कौन है? है नहीं था, खून हो गया उसका। खून? हाँ खून, खून हो गया। ये बताओ इस क्लब में किसी खिलाड़ी का ऑपरेशन हुआ? कैसा ऑपरेशन सर? घुटने का ऑपरेशन। रनर्स नहीं समझते हो? नहीं पता नहीं सर। पता नहीं कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। इस सुबोध का एड्रेस दो जरा। हाँ सर, अमय और विनाली को हॉस्पिटल ले जाने का पूरा प्लान बन गया है। जी सर, उन्हें जरा सा भी शक नहीं होगा कि आज उनके ड्रग्स का टेस्ट है। ओके सर। अरे मैं सुबह ही तो बॉटल भरी थी, मेरा पानी कौन पी गया? कोई बात नहीं तुम मेरी बॉटल से पानी पी लो। इसमें थैंक्स की क्या बात है, पानी ही तो है। यार लेकिन कहाँ देख रहा है यार तू, अभी तो नीचे ट्रीटमेंट करा था यार, अगर चोट लगी तो रेस में कैसे दौड़ूंगा मैं। सॉरी यार मुझे जानबूझ के नहीं किया, गलती से किया। निखिल सब तुम्हारी गलती है। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। निखिल एक काम करो अभी के अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो घबराओ नहीं। अचानक से मुझे क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं? क्या हुआ पता नहीं, कोई ढंग से दिख नहीं रहा है, चक्कर आ रहे हैं। लगता है आज लोगों के बीमार पड़ने का दिन है। निखिल हमें के साथ साथ मिनाली को भी ले जाओ डॉक्टर के पास। मैं काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। आराम से आराम से। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। बैठ समझ। अब जहां हम कहेंगे गाड़ी वहां जाएगी। सिर्फ 21 साल का था मेरा सुबोध, आप ही बताइए क्या ये कोई उम्र है मरने की? संभालिए अपने आप को। देखिए ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपका बेटा सुबोध अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार था। ना वो खेल में किसी भी हालत में जीतने के लिए ड्रग्स लेता और ना अगर हमें पहले पता होता कि सुबोध ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया तो हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। कैसे अंदाजा नहीं था हा? आप तो उसके माता पिता थे ना, आपको ध्यान देना चाहिए था अपने बच्चे पर। आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो ड्रग्स ले रहा है? नहीं पर हाँ थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। हैरानी? हाँ वैसे तो वो साइकिलिंग में ठीक ठाक ही था पर अचानक ही एक के बाद एक रेस जीतने लगा और इससे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा उस ड्रग्स की वजह से ही बढ़ा होगा। अच्छा आप लोगों ने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि उसे ड्रग्स दे कौन रहा है? शायद आकाश ही देता होगा। आप जानते हैं आकाश को? हाँ
सुबोध से मिलने आता था घर पे, पर उसकी मौत के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। आकाश का खून हो गया है। खून? हाँ खून, और आकाश के खून की तहकीकात ने हमें ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों तक पहुंचा दिया। सारा चक्कर इसका है। देखिए सर, हम सबका एक्सरे करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी हैं, खूनी थोड़ी है। समझ सकते हैं हम, और क्या करें, सब करना पड़ता है। बस अभी कुछ ही मिनटों की बात है, सब पता चल जाएगा। सीआईडी ऑफिसर खिलाड़ी बनकर आ गए, विश्वास ही नहीं होता। अब खूनी को पकड़ने के लिए ऐसा ड्रामा करना पड़ता है कभी कभी, है ना? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना सर? हाँ बड़ी, सबके एक्सरे मिल गए? हाँ सर मिल गए। तो बताओ इनमें से कौन है वो खिलाड़ी जिसके घुटने का ऑपरेशन हुआ है? एक खिलाड़ी सर। कौन है वो? अभी बताता हूँ सर। राहुल सर, इसने 2 महीने पहले अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था, रनर्स नी। ओ, तो तुम हो राहुल, तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम आकाश को नहीं जानते है? सर मैं डर गया सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। डर गए थे तो ठीक है, बताओ क्यों मारा तुमने आकाश को? सर ये सच है कि मैंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया खून? पता नहीं सर। मुझे पता चल गया है दया, खून किसने किया है? किसने सर? उसी ने जिसका एक्सरे हमने नहीं करवाया। मेरा एक्सरे करने क्या जरूरत है? मैं तो कोच हूं, मैं खिलाड़ी थोड़ी हूं। क्यों? तुम्हारा एक्सरे निकलवाने से तुम्हारी पोल खुल जाएगी, है ना? खुल जाएगी ना? तुम तो कह रहे थे कि तुम 1 महीने पहले यहां आए हो और तुम किसी भी खिलाड़ी को जानते नहीं हो। तो फिर नवीन साहब, सुबोध के साथ इस फोटो में कैसे? सुबोध तो 4 महीने पहले मर चुका है, तुम कैसे इस फोटो में सुबोध के साथ? शायद ये तुम्हारा जुड़वा भाई होगा, है ना? वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, याद दिला। बोल बोल, क्यों किया तूने ये सब? मैं मजबूर था सर, अगर ये सब मैंने करता तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन जान से मार देता? आ सचिक, क्या निखिल और काजल का पता नहीं चल रहा है? फोन भी नहीं उठा रहे? अच्छा ठीक है, कोशिश करते रहना, समझे? पता कहाँ है हमारे 2 ऑफिसर्स? पता? सर मैं कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये हमें और मिनाली तुम्हारे लिए काम करते हैं ना? नहीं सर, मेरे लिए नहीं करते। तो फिर किसके लिए काम करते हैं? उन लोगों ने हमारे ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया है, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। जमीन के नीचे भी होंगे ना, वहां से भी खोद के निकालेंगे। बोल कहाँ है वो? सर वो लोग भी मेरी तरह उसी के लिए काम करते हैं। ठीक है चल, अपने मालिक के पास लेके चल। नहीं सर, मैं आप लोगों को वहां नहीं ले जा सकता। वहां पे लेके नहीं जा सकता ना? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तुम
तुम ना मुझे आकाश को मारने के लिए कहते और ना ही आज हम दोनों को जेल जाना पड़ता। जेल? कौन भेजेगा जेल हमें? सीआईडी। सीआईडी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सीआईडी? सीआईडी भेजेगी जेल हमें? मैं जब चाहूं सीआईडी को खत्म कर सकता हूं। वो देख, बहुत मजा आएगा मुझे, बहुत मजा आएगा जब ये दोनों इस खौलते हुए तेजाब में गिरेंगे। ए, छोड़ दो इन दोनों की रस्सी। देखो मैं कहता हूं रुक जाओ। ये भी आ गया मरने के लिए। ए, इसको भी मारो, छोड़ना मत इसको। मैं तो आपका साथ दे रहा था। मंजय कुमार, आप भाग रहे? चलो पर। तुम्हारे दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया हमें। इतना बड़ा धोखा, सीआईडी को बुलाया तूने? तुम्हें क्या लगा सीआईडी वालों को मारना इतना आसान है? तुम जैसे बुजदिलों के लिए सिर्फ ये ही हाथ काफी है, समझे? आकाश को मैंने ही मरवाया था। क्यों, क्या बिगाड़ा था आकाश ने तुम्हारा? सुबोध की मौत के बाद उसको धक्का लगा था, ड्रग्स का काम करने से मना करने लगा था और मेरी कंपनी भी छोड़ दी थी। और तुम्हें डर लगा कि वो बाहर जाके दुनिया को बताएगा कि तुम खिलाड़ियों को दवाइयों के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई करते हो, हां? ड्रग्स का कारोबार करते हो, देश के जवान खिलाड़ियों की जिंदगी बर्बाद करते हो। ड्रग्स का कारोबार करने और खून करने के जुर्म में तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी।